देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा और आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे चर्चित मुद्दे चुनाव और कोरोना पर। एक तरफ देश में चुनाव है तो दूसरी तरफ देश में कोरोना का साया है। कोरोना का नया वेरिएंट तीसरी लहर की दस्तक के साथ सभी को डरा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधि बेखौफ होकर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना दमखम दिखाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ना कोरोना से संक्रमण होने का डर है, ना ही दूसरों के संक्रमित होने का। अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं और एक साल पहले हुए चुनाव का मंजर याद करें तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। मौत का तांडव, लाखों लाशों का ढेर दिखाई देता है। अगर उस मंजर से भी सीख ना ली और सरकार ने इतिहास को दोहराने से नहीं रोका तो एक भयावह मंजर फिर से देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन पार्टी कोई भी पार्टी हो, रैली और जनसभाएं लगातार कर रही हैं। जनसभाएं जो हो रही हैं, रैली हो रहे हैं, ये बताते हैं कि चुनाव नजदीक है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बिना जनसभाएं और चुनावी रैली के क्या चुनाव संभव नहीं है? देश डिजिटल हो रहा है तो क्या रैली डिजिटल माध्यम से नहीं हो सकती है? क्या जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम को नहीं चुना जा सकता है? कोरोना को हराने में लॉकडाउन कारगर साबित हुआ था, क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी को सोचते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर में लोगों का जमावड़ा रोका जा सके, ओमिक्रॉन फैलने से रोका जा सके। लेकिन दिन में रैली और नाइट में कर्फ्यू, कैसे कोरोना रुक पाएगा? एक सवाल यह भी आता है, क्या सिर्फ रात में ही कोरोना आता है जिसके लिए लोगों को बाहर जाने से रोका जा रहा है? क्या दिन में सख्ती की जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत है तो फिर ये रैली और जनसभाएं क्यों? आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि चुनाव को स्थगित किया जाए और पीएम को भी इस पर ध्यान देने के लिए कहा है। लेकिन अब इस पे क्या असर पड़ता है? क्या रैलियों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चुनाव निर्धारित समय पे होगा या फिर इसको स्थगित किया जाएगा? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनप्रतिनिधियों का क्या विचार है। क्या वो चाहते हैं कि चुनाव निर्धारित समय पर हो या फिर कोरोना के चलते लोगों की जान की फिक्र है और चाहते हैं कि हाँ, कोरोना की वजह से चुनाव को आगे स्थगित कर दिया जाए, कुछ समय बाद कराया जाए। त्योहारों पर आता है, चुनाव में भाग जाता है कोरोना। जब जनता है लापरवाह तो किस बात का रोना धोना? रैली और जनसभाओं में नहीं दिखता कहीं कोरोना। जरूरी है चुनाव या जरूरी है जनता? कोरोना और राजनीति, किसको चुनेगी जनता? और इसी पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। रामनिवास यादव जी बीजेपी से जुड़े हैं, मसीम जैदी जी सपा से जुड़े हैं और अजय चंद्र चौबे जी कांग्रेस से जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आएंगे अजय चंद चौबे जी के पास। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निर्धारित समय पे होने चाहिए या इन्हें टाला जाना चाहिए? देश हित में चुनाव को टाला जा सकता है। पहले हिंदुस्तान की 139 करोड़ की जनता कांग्रेस की प्राथमिकता में है। पहली बार भी जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी की तरह फैल रहा था, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए हमारे नेता का उपहास कर रहे थे। दुखद है कि जब हिंदुस्तान में कोरोना ने अपने भयावह रूप में अवतार ले लिया तो प्रधानमंत्री जी आपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय जी हिंदुस्तान को 1947 के पहले के युग में लेकर चले गए अंधविश्वास में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवाया, थाली बजवाया, इसके बाद कैंडल जलवाया, कोरोना नहीं भागा। माँ गंगा में हजारों किलोमीटर बहती लाशें उसका उदाहरण है। आगरा में कोई माँ अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देते हुए इस सरकार के विफलता के उदाहरण है। वो
तमाम हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के लोगों की जो लाशें सौदाह गृहों में लाइन में लग के पहली बार जलना पड़ा जी। और तो और जलने के लिए मुर्दों को भी रिश्वत देना पड़ा, ब्लैक में जलना पड़ा। इस हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री जी कहां लेके चले गए? और जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी ने 1000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की मौत पे जो पंचायत चुनाव तक भयावह रूप ले चुका था, जब उत्तर प्रदेश की सरकार को आगाह किया, चेतावनी दिया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक दुखद घटना कि पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को केवल एक बात में लगा दिया कि नकार दो, कहीं कोई कोरोना से मौत नहीं हुई। और उन्हीं के पार्टी के सुल्तानपुर के एक माननीय विधायक जी कोरोना किट में घोटाला के लिए उन्हीं जिलाधिकारियों को, उन्हीं सीएमओ को जिम्मेदार ठहराए थे, जिन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई जी। ये हिंदुस्तान की जनता को तय करना है, 139 करोड़ की जनता को, कि उसे किस पे विश्वास करना है। ताली थाली बजा के और अपने शुभचिंतकों के लिए कैंडल जलाना है, या ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, मास्क, दवा, कोरोना किट, इसका इंतजाम होना चाहिए। क्या 139 करोड़ की जनता इस बेपरवाह सरकार से ये प्रश्न करेगी? और बहुत ही अहम रोल भारतीय मीडिया का भी बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भारत समाचार और दैनिक भास्कर समाचार के संपादकों के यहाँ छापे सिर्फ इसी बात पे डलवाए थे कि उन्होंने कोरोना के सच्चाई को दिखा दिया था। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ उनकी, और मैं आह्वान करता हूँ कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा इस हिंदुस्तान के 139 करोड़ की जनता की खातिर। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह विनम्र निवेदन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस हिंदुस्तान के 139 करोड़ की जनता के खातिर कृपया, अगर आपको प्रचार ही करना है, प्रसार ही करना है, प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं करना है, तो नैतिकता के आधार पर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए। आप खूब प्रचार करिए, आपकी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता से, जिसका उदाहरण है इनकी संवेदनशीलता के, कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक बरेली से थे, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सुरक्षा कर्मी ने उन्हें टोका था, सर आप मास्क नहीं लगाए हैं, तो वो उपहास कर रहे थे, कहीं कोई कोरोना वोरोना नहीं, हंसते जा रहे थे। और भी दुखद रहा कि वो कोरोना से काल कवित हो गए, और 3 ही दिन बाद उनके फोटो पे माल्यार्पण करना पड़ा माननीय सदन को। उत्तर प्रदेश की जनता दुखमय हो गई, और उससे भी दुखद रहा कि उन्हें लखनऊ में किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं उपलब्ध हो पाया जी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने पार्टी के विधायक को बेड नहीं उपलब्ध करा पाई, और एक विभाग के प्रमुख सचिव स्वर्गीय दीपक त्रिवेदी जी एक्सपायर कर गए थे, उनकी भी जान नहीं बचा पाई। और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव गिराव नहीं था जहां लोगों ने कोरोना में अपनों को खोया नहीं है, चाहे वो मीडिया जगत हो या राजनीतिक जगत हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जजेज हो या किसान हो, सबने अपने को खोया है। पूछ लेते हैं कि क्या कुछ जो ये आरोप लगाए गए हैं वो क्या सही है? रामनिवास जी क्या कहेंगे आप? तो रामनिवास जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तब तक हम मीसम जी आपसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उसको टाल दिया जाए या फिर निर्धारित समय पर होना चाहिए? देखिए शिखा जी, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हम लोग हमेशा से मानवीय जीवन का मूल्य रखते आए हैं, और मानवीय जीवन के लिए हम कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। और जो हाईकोर्ट ने अपनी बात रखी है, अगर उस पर अमल किया जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए चुनाव से बढ़कर मानवीय जीवन है, मानवीय संवेदनाएँ हैं। और हम उस सरकार की क्या बात करें
कि जिसके लिए मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं है, वो कोरोना से लेके अब तक ये कोरोना की बात करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक जीका वायरस करके और एक डेंगू वायरस चला था, उससे निपटने की तो इनके पास कोई रणनीति नहीं दिखाई दी, उस पर फेल हो गए। तो कोरोना तो बहुत बड़ी बात है, डेल्टा वायरस आया, अब तो आमिर खान खुद आ चुके हैं उत्तर प्रदेश, क्या इंडिया में, पूरे देश में, भारत में, पूरी दुनिया में। अब इस आमिर खान से लड़ने के लिए देखिए क्या करते हैं। ये बात सच है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उससे हमको फायदे मिले, हालांकि इससे पहले भी कहा गया लॉकडाउन लगाने के लिए, तो इनकी सरकारों ने, इनके सरकार के मुखिया ने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। और जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया कि ताली और थाली बजाने का सिर्फ काम किया और लोगों का मजाक और उपहास बनाने का कार्य किया। हालांकि जो रात में कर्फ्यू लगाया गया है 11 से 5 में और दिन भर जन प्रतिनिधि घूम घूम करके चुनाव का प्रचार करेंगे, ये उपहास की एक बात है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आमिर खान रात में ही निकलेंगे और दिन में नहीं निकलेंगे, किसी को बता के निकलेंगे। और जो भीड़ जमा होगी, जो निर्दोष जनता जमा होगी, क्योंकि हाल ही में आपके पास एक उदाहरण है शिखा जी, आप देखिए कि अभी प्रधानी के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरह से लोगों की मौतें हुई, जिसको ये नकारते रहे, और ये उस टाइम पर ऐसी भयावह स्थिति में जिस टाइम पर लोग अपनी जाने गंवा रहे थे, ये महिलाओं का नाम लेते हैं, ये महिलाओं के कपड़े उतारने का काम कर रहे थे, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे थे और सरकार बनाने का कार्य कर रहे थे, तो जनता ये हालात देख चुकी है, इन पर किस तरह से भरोसा किया जाए। हम कहां कहां की बात करें, हम उस बच्ची की बात करें जो अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, हम उस बेटी की बात करें कोरोना काल में जो साइकिल पर अपने पिता को बिठा करके पैरों में छाले लेकर के यहां तक आई और बाद में उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। हम उस प्रदेश के अंदर रहते हैं और उस प्रदेश की सरकार के अंदर हम निवास कर रहे हैं, जिस सरकार के लिए आप कहां कहां की बात करेंगे, आप न्याय की बात करेंगे, आप कोरोना काल की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने पीपीई के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, आपने आपदा को अवसर में बदलने का कार्य किया, और जो आपने कहा और वो किया बेशक, क्योंकि आप ही नहीं कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे, अवसर रिश्वतखोरी जमाखोरी, और आपने देखा किस तरह से लोगों का माखौल उड़ाया, किस तरह से मजदूरों ने पलायन किया, अगर किसी ने मदद भी करना चाहिए तो उनके खिलाफ केस शुरू कर दिया, और अगर इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत करता है तो आप देखते हैं तो कभी ईडी से हमला कराया जाता है, कभी सीबीआई से हमला कराया जाता है, देश कहां से कहां तक पहुंच गया, इनके अंदर मानवीय जीवनों का कोई मूल्य नहीं रहा शिखा जी, और ये जनता देख रही है। और फिर वही समय वापस आ गया, इनके लिए डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार से मतलब रह गया है, बाकी इनका डेमोक्रेटिक लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं हो गया है। ये जात पात मजहब की बातें करके चुनाव लड़ना और दौड़ दौड़ की राजनीति करना और सत्ता में बने रहने का इनका जो कार्यकाल है, जो कि आप और हम देख रहे हो, जनता इस चीज को भली भांति जान चुकी है। अगर इनकी किस्मत अच्छी, अगर इसी वक्त चुनाव करा दिया गया होता तो इनका उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाता, और मगर फिर भी हम मानवीय जीवन से बढ़ करके हम कुछ भी नहीं समझते हैं और इस राजनीति को तुच्छ मानते हैं कि अगर इस बीच कोई राजनीति करे और गरीबों की लाशों पर खड़ा होकर के डांस करे, आप कहां की बात करेंगे। आप कोरोना के अंदर देखिए, लाशें जलाने से लेकर के लाशें दफनाने से लेकर रेतों में लाशें दफनाई जा रही हैं, गंगा में बहाई जा रही हैं, किस किस तरह से लोग विलाप कर रहे हैं, गरीब रो रहा है, मजदूर रो रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत पड़ी हुई है। आज की भी डेट में क्या इनकी सरकार यह बताएगी कि कोरोना काल के लिए इन्होंने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, कितने बेड का इंतजाम किया, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, सिर्फ इन्होंने फीता काटने का काम किया और अधूरा काम करके छोड़ दिया और इस इंतजार में रहे कि जनता को मरने देंगे और जनता को मरने पर ये उपहास बनाते रहेंगे और लोगों की बातें करना शुरू कर देंगे। जब इनसे कोई बात करता है तो ये पिछली बातें करने लगते हैं, अगली बातें करने लगते हैं। हर एक चीज की शिखा जी एक सीमा होती है, वक्त आने पर जनता इन्हें सब कुछ बता देगी और बिल्कुल हमारे लिए चुनाव कोई महत्व नहीं रखता है और हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हम समाजवाद के लोग हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और लड़ते रहे। जी रामनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि हमने दोनों पक्ष से प्रतिक्रिया ले ली, बीजेपी से अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या आप इस पक्ष में है कि जो चुनाव है उसको टाल देना चाहिए या निर्धारित समय पे होने चाहिए चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से महामारी है, पूरी दुनिया में महामारी है, जिस तरह से पिछले सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूती से लड़ाई ली रही और लड़ाई लड़ी, उसका ही परिणाम है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में थी, फिर भी सबसे ज्यादा कम मौतें हुई और सबसे ज्यादा कम नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी किस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, क्योंकि ये बौखलाहट है और ये तो चाहते हैं कि कोई बहाना मिले, चुनाव पेंडिंग हो, क्योंकि इस समय जो इनका माहौल है, जिसे इनके नेताओं के यहाँ बेनामी संपत्तियां और हजारों करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं,
उससे बौखलाहट है इनकी। और ये पिछले कोरोना काल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, इनके नेता कहीं कभी से दिखे नहीं, ये खाली ट्विटर के अंदर रहे, फेसबुक के अंदर रहे, और यही कारण है कि इनको जनता इनको नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। यही इनकी बौखलाहट है और ये और कुछ नहीं है। राम निवास जी, आपने दो बातें कही कि बहुत अच्छा काम किया गया कोरोना काल में, और दूसरी बात कही आपने कि जिस तरह से विपक्ष बौखलाया हुआ है, वो वजह चाहता है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो लखनऊ से शमशान की तस्वीरें आई थी, तो वो क्या अच्छा काम था? और दूसरी चीज, अगर पोस्टपोन होते हैं चुनाव, तो क्या इससे सिर्फ विपक्ष को फायदा होगा? आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि इससे कितने लोगों की जान बच सकती है? जो लाखों भीड़ जुटाई जाती है रैली में, जनसभाओं में, उसका क्या? अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सुखा जी, पिछली बार जब सेकंड लहर आई, इन्हीं लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ फैलाई, जिससे लोगों ने वैक्सीन लगवाने काम किया। अब पूरे देश में 130 करोड़ लगभग आबादी से वैक्सीनेशन हो चुकी है और लगभग 60% ज्यादा डबल डोज लग चुकी है। तो जो परिस्थितियाँ पिछली बार से ऐसी नहीं आनी है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी लोग वैक्सीन विरोध करते थे, लेकिन अभी कल डिंपल जी का बयान आया कि हमने दोनों डोज लगवाई थी जी। लोगों को तो मना कर खुद घर के अंदर रह के वैक्सीन लगवा लेते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है, उत्तर प्रदेश जनता इनको जानती है और ये चुनाव से भागना चाहते हैं, इसीलिए कोर्ट का सहारा लेना चाह रहे हैं। मतलब आप चुनाव करवाने के पक्ष में हैं, आप नहीं चाहते कि चुनाव को टाला जाए? और जो भी सावधानियां हैं सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इस बार धीरे से निपटेगी और जैसे सेकंड लहर में निपटी है कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोर्ट कहेगी तो चुनाव चलेगा, नहीं कहेगी तो चुनाव होगा अपने समय से। पूरी सावधानी के साथ चुनाव तो हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो रैली और जनसभाएं हो रही, जिसमें दमखम दिखाने के लिए कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ भीड़ इकट्ठा करती है, लाखों की भीड़ इकट्ठा करती है, तो क्या बिना भीड़ के ये चुनाव हो सकता है? लोकतंत्र होता है, पर में आदमी इकट्ठा करता है, लोग अपनी बात रखते हैं, ये तो चलेगा जी। इसमें मेरा सावधानी पूर्वक तो करना है और जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है सरकार कर रही है, बाकी लोग करेंगे। अगर लगेगा सरकार को, प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को कि इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं करेगी, लेकिन जहां तक संभव है सावधानी रखते हुए कार्यक्रम सरकार करने का अनुमति दे रही है और आगे भी करेगी जी। अजय जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने तो कह दिया कि लोकतंत्र का पर्व है और होना चाहिए, समय से होना चाहिए, सावधानी के साथ होना चाहिए। क्या सावधानी बरती जा पाएगी? याद है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और कोरोना अपने चरम पे पहुंच रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां रैलियों में कह रहे थे बहुत ज्यादा भीड़ आई, इसके लिए आप लोगों का बहुत ही आभार। और सेम डे 3 घंटा भी नहीं बीता और दिल्ली पहुंचते हमारे प्रधानमंत्री जी और देश की जनता को संबोधित करते हैं कि सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी कोरोना से बचाव के लिए। तो दोहरा चरित्र है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का, उस पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, सांसद से आप क्या अपेक्षा कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई मिनिस्टर, कई विधायक इसी भ्रम में जी। अपना भी जान गंवा बैठे, लेकिन हिंदुस्तान की मासूम जनता को भी लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। बात तो वही है ना, बंगाल चुनाव हुए उस वक्त भी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला कि कहीं भी सावधानी हो, रैलियां चल रही थी। जो नारा दे रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाए होते, हर जिले में हॉस्पिटल नहीं रहे होते, हर गांव में अगर नर्स और मिडवाइफ नहीं रही होती, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेज नहीं रहे होते, तो ये लोगों को क्वारंटीन कहाँ करते, हॉस्पिटलों में इलाज कहाँ करते? और कांग्रेस पार्टी ने अगर सरकारी डॉक्टर नहीं दिए होते, तो ये प्राइवेट जो हर चीज के निजीकरण की बड़े जोरों शोर से पैरवी करती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों लोग करते हैं, उन हॉस्पिटल वालों ने 35-35, 40-40 लाख रुपया लेके बैठ दिया। और तो और, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता
तब और भी ज्यादा दिखी, जब लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे और ऑक्सीजन का टैंकर चल रहा था, तो उसी टैंकर को बनारस में रोक के भारतीय जनता पार्टी के लोग एक घंटा फोटो शूटिंग करते थे, ब्रांडिंग करते थे अपनी। उसी टैंकर को जौनपुर में रोक के ब्रांडिंग करते थे, उसी टैंकर को इलाहाबाद में रोक के ब्रांडिंग करते थे, उसी टैंकर को लखनऊ में भी रोक के ब्रांडिंग करते थे, उसी टैंकर को कानपुर में भी, और उसी टैंकर को मेरठ में भी, और उसी टैंकर को आगरा में भी। ये इनकी संवेदनहीनता है जी। और जब माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने जब आगाह भी किया, पंचायत चुनाव इन लोगों ने जबरदस्ती कराया था, और कितने अध्यापकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने माताओं बहनों को विधवा होना पड़ा, लेकिन उनको कोई राहत न देना पड़े, उत्तर प्रदेश सूबे के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री जी ने उन जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी झूठे आंकड़े पेश करने के, जो कोरोना घोटाले किट घोटाले के जिम्मेदार थे। अरे इनकम टैक्स और आईटी का छापा तो उत्तर प्रदेश सरकार के उन मिनिस्टरों के यहाँ पड़ना चाहिए जो नियुक्तियां घोटाला करते हैं, उन वाइस चांसलरों के यहाँ पड़ना चाहिए जो करोड़ों करोड़ लेके नियुक्ति घोटाला करते हैं। अभी जौनपुर के पूर्व वाइस चांसलर के यहाँ गोरखपुर आवास पे छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए थे। जिलाधिकारियों और सीएमओ के आवास पे छापा डालिए, करोड़ों नहीं अरबों में रुपया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यालयों पे छापा पड़ना चाहिए कि इनका कार्यालय 5 स्टार होटल जैसे कैसे हो गया नोटबंदी के बाद, इनके पास नंबर 1 का पैसा कहां से आ गया। एक तरफ जनता को खाने के पैसे नहीं, भारतीय फूड बैंक के आंकड़े के अनुसार हिंदुस्तान की 14% जनता आज कुपोषित है। हिंदुस्तान कुपोषण। अजय जी, हम बाकी मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज रैली के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कैसे मिलेगी जी उनकी इम्यूनिटी, कैसे डेवलप रह जाएगी जी। मिशम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से रैलियां हो रही है, चुनाव की बात हो रही है जी, अजय जी, लॉकडाउन की वजह से आज देश की जनता जी पे जो आर्थिक संकट है, जो भुखमरी का संकट है, जो गरीबी का संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, उनके इलाज के लिए क्या प्रबंध भारतीय जनता पार्टी ने किया है बताना चाहिए। कितना ऑक्सीजन उपलब्ध है, कितनी दवाई उपलब्ध है, कितने बेड उपलब्ध है, कितने डॉक्टर उपलब्ध है, कितने नए डॉक्टरों को इन्होंने तैयार किए हैं, ये बता दें। क्या तैयारी केवल चुनाव में लगे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स आईटी की रेड करा रहे थे, वहाँ कोरोना फैल रहा था, लेकिन अपने दायित्वों को निर्वहन करने की बजाय वहाँ इनकम टैक्स आईडी और सीबीआई के छापे डलवा रहे थे जी। तो जनता मर रही थी, वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अजय जी, आपको रोकूं यहाँ जी, अजय जी आपको मौका दूंगी, मीसम जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे, भी बीजेपी ने कह दिया कि हम पक्ष में है, लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है तो होना चाहिए। बाकी कोई पर्व आता है कोरोना चला जाता है, लेकिन लोकतंत्र का पर्व आता है तो कोरोना जो है कहीं भाग ही जाता है। ना उस टाइम लॉकडाउन रहता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, ना ही मास्क रहता है, भीड़ इकट्ठा रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो तैयारियां हैं वो भी सब जानते हैं कि कितनी तैयारियां हैं। अगर सरकार ये फैसला लेती है कि चुनाव को टाल दिया जाता है, तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए शिखा जी, ये पहला मौका नहीं है, देश के हमारे देश के और प्रदेश के वासी कोरोना से कई बार रूबरू हो चुके हैं, बल्कि एक बार दो बार अभी तो तीसरी लहर है। कोरोना कितना घातक महामारी है और किस कदर ये अटैक करता है बूढ़े जवान नौजवानों बच्चों, अब तो कोई एज का क्राइटेरिया भी नहीं रह गया कि सिर्फ बूढ़ों को अटैक करेगा और नौजवानों को नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा हाल ही में वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक के ऊपर कोरोना ने अपना असर दिखाया। और हालांकि दो बार हमारे प्रदेश की जनता इससे रूबरू हो चुकी है और ये तीसरी घटना है। आप ये बताइए कि अगर आपने चुनाव प्रक्रिया को नहीं रखा, बंद किया और जारी रखा, इस हालात में आप किस तरह से कोरोना पे काबू पाएंगे? आपके पास जब कोरोना से लड़ने की बात आती है तब आप हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। यहाँ तलक के जो आपकी ही पार्टी के एक चेतन शर्मा जी थे जो मिनिस्टर रहे थे, अब इनसे ज़्यादा पावरफुल आदमी की क्या बात की जाए कि जो खुद सरकार में मिनिस्टर रहा हो। और मैं आपको बताऊँ कि उनका हालात ये था कि वो जब पीजीआई में एडमिट थे तो जिस तरह से डॉक्टरों का उनके प्रति रवैया था, हमारे ही पार्टी के हमारे सीनियर एक एमएलसी हैं
उनका नाम बहुत अच्छा सा है, सुनील सिंह साजन जी, वो भी उन्हीं के साथ में एडमिट थे। उन्होंने ये वाकया रूबरू साक्षात बताया कि जिस कंडीशन से उनसे बिहेव करते थे डॉक्टर, और जो ऑक्सीजन और जो चीज़ें उनको नहीं उपलब्ध हो पाती थी, तो मैं ये सोच के बहुत हैरान था कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों का क्या हाल होगा। देखिए, प्रदेश के अंदर आप तो देख रहे जनसंख्या विस्फोट की तरह है, छोटा प्रदेश नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रदेश है। अच्छा, अभी जो ये बात हमारी कही रामनिवास यादव जी ने, हमारे साथी प्रवक्ता ने, कि इनकी बौखलाहट, देखिए सच बात है, हमारी बौखलाहट चुनाव जीतने और लड़ने के लिए नहीं है, हमारी बौखलाहट अपने समाज और अपने प्रदेश, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए है। लेकिन जनसभाएं तो आपकी भी हो रही है, रथ यात्रा आपकी भी निकल रही है, भीड़ तो आप भी इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छा आप जागरूक हैं? देखिए, रथ यात्रा हमारी जो निकल रही थी और जो हम अभी तक की जो यात्राएं कर रहे थे, मगर उस वक्त इतना प्रकोप नहीं था, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक ही दिन में कोरोना बढ़ गए, कोरोना के मामले? नहीं नहीं, जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इतने केसेस नहीं आए थे, और जिन हालातों को देखते हुए अब इसके ऊपर हमारे पार्टी के बड़े अधिकारी और बड़े आला अधिकारी, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस पर, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस जनता का मुद्दा लेकर के हम सड़कों पर आ रहे हैं, शिखा जी, जब वो जनता ही नहीं रहेगी तो नेता किस बात का, और जब वो प्रदेश की लोग नहीं रहे तो प्रदेश किस काम का, और जब देश का नागरिक नहीं रहा तो मैं कहता हूं वो देश किस काम का। बिल्कुल, जब तलक के देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारा पड़ोसी सुरक्षित नहीं है, तो ये बताइए फिर हम ऐसे देश की गाथा करके क्या करेंगे, जब तक कि हमारे देश के लोग सुरक्षित ना हो। और रही बात आपकी, आपके पार्टी के लोगों की, और आपके मुखिया के अजीब अजीब बयान आते हैं, ताली पिटवा देते हैं, ताली पिटवा देते हैं, और ये तो छोड़िए साहब, जब हमारा किसान, नौजवान और हमारा देश का हर वो व्यक्ति के जो कोरोना से ग्रसित था, जब परेशान होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो इनको बुरा भी लग जाएगा हमारी बात, तो सच जो हमेशा कड़वा होता है, तो वो कहते हैं कि मैं तपस्या में विलीन हो गया था, मैं तपस्या कर रहा था, और उसके बाद जब दुनिया में सब मर जाते हैं तब वो निकल के आते हैं, अरे यहाँ इतने लोग मर गए, ये घटना हो गई, मैं तपस्या में ही विलीन था। तो जिस तरह का प्रधानमंत्री, अच्छा मीशम जी, सारी बातों को किनारे करते हैं, एक बात का जवाब दीजिए, जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, तो ये फैसला सही है या गलत? देखिए, कर्फ्यू का ऐलान जो किया गया है, ये बात सच है, और ये तो WHO ने भी कहा है कि हम किस हद तक लॉकडाउन करके लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक करके ही कोरोना से बचाव कर सकते हैं। तो सपा की तरफ से ये बयान क्यों सामने आया कि सरकार डर गई है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? देखिए, सरकार इसलिए भी डर गई है, और इसलिए भी क्योंकि ये तो बात बिल्कुल भली भांति है, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में लोग भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वो देख के इनको घबराहट तो थी, और ये भी बात कहीं ना कहीं सच है कि ये लॉकडाउन का सहारा लेकर के, लोगों को भूखा मार के, लोगों की आवाजों को दबा करके भी एक तरह का ये सहारा लेते हैं कोरोना की आड़। देखिए, आरोप करना सभी का हक है, लेकिन अगर जहां पे सही हो वहां करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस दिन, दो दिन पहले, जब सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी कोरोना पॉजिटिव हुई, तो अखिलेश भी क्वारंटाइन हुए, लेकिन उनकी रैली स्थगित नहीं हुई, उनके गठबंधन की पार्टी ने उस पूरी जनसभा को सुचारू रूप से चलाया। तो क्या यहाँ पे अभी भी कोई जागरूकता नहीं है कि अगर एक परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो वहां पे लाखों की भीड़ है, वहां पे भी संक्रमित व्यक्ति हो सकते हैं और बाकी लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, तो कितनी जागरूकता सपा में देखने को मिल रही है, सपा कितना जनता के बारे में सोच रही है? देखिए, मैंने आपसे शिखा जी एक बात पहले भी कही कि देखिए, हमारा जो स्टेप है वो देश की जनता और देश के लोगों के लिए, समाज के ही लोगों के लिए है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने का भी एक कदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, देश को बचाने का कदम है, मगर किस हद तक ये तो डिसाइड अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर मान करके आप चलिए कि अगर ये जो अभी ओमिक्रॉन की जो लहर आ रही है, अगर वो इतनी घातक नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये इतनी घातक नहीं है, और सेकेंड डोज भी लोगों ने ज्यादातर सबने ले रखा है, अपने देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, अभी इससे ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, उसको लिहाज में देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं पर चूक जाएं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना भी तो हमारा अधिकार है, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो भी देश खतरे में हो जाएगा, तो हमको तो बहुत सूझबूझ का सहारा
सहारा लेना है, हमको इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना और लोकतंत्र को बचाने के लिए, यानी कि दोनों चीजों को लेकर के चलना है। अब इसमें आला अधिकारी, हमारे शीर्ष नेता, हमारे नेतृत्व, हमारे राज्य अध्यक्ष जी बैठेंगे और बिल्कुल आप यकीन जानिए शिखा जी, मैं आपको ये वचन देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने दूरंदेशी सोच है उनकी और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनपढ़ नहीं है जिनके पास फर्जी डिग्रियां हो या डिग्रियां दिखा ना पाए, पढ़े लिखे और काबिल होनहार और कर्मठ हमारे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फैसला निकालेंगे जिसमें देश प्रदेश और देश के प्रदेश के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। आशा करते हैं कि इस पर अमल किया जाएगा। रामनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सभी पार्टियां रैलियां कर रही, जनसभाएं और रथ यात्रा निकाल रही हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, बीजेपी भी इसमें शामिल है, तो बीजेपी की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी देखा बंगाल में बीजेपी की बड़ी से बड़ी रैली देखने को मिल रही थी। एक बार फिर कोरोना का खतरा है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रैली जनसभाओं में कमी आएगी या यूं ही चलेगी? समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे थे कि आप मतलब उनकी भाषा लग रहा था कितने बकलाहट में है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब सेकेंड वेव आई थी तो दिल्ली में चुनाव नहीं थे, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे जी, और बिहार में चुनाव नहीं थे, लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद हर दूसरे घर में कोरोना पॉजिटिव जरूर मिले थे। पिताजी, मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली और महाराष्ट्र की है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रबंधन किया और क्योंकि इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन जिस तरह से सरकार ने ईमानदारी से काम करके और प्रदेश के लोगों को बचाने काम किया है, वो समाजवादी पार्टी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी पूरे कोरोना काल में फील्ड पे रहे, लोगों बीमारों से मिलते इलाज कराते रहे लोगों का और लोगों की मदद करते रहे, इनके नेता खाली घरों के अंदर कैद रहे और फेसबुक पे आलोचना करते रहे। रामनिवास जी, आपके जो ये बयान सामने आ रहे हैं, आप तो कुछ भी बयान दे सकते हैं, जब ये बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। पार्टी जैसे नेताओं के हाथों प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के साथ है और ये तो चुनाव में बिल्कुल लग रहा है कि इसमें माहौल खराब हमारे खिलाफ हो गया है, हजारों करोड़ रुपया पकड़ गया है हमारा, तो चुनाव दो तीन चार मिनट चल जाए इसलिए बहाना बना रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी गाइडलाइन होगी सरकार पालन करेगी और उस गाइडलाइन के तहत ही चुनाव होंगे। चुनाव से कोरोना से मतलब नहीं, अगर ऐसा होता तो बाकी प्रदेशों में चुनाव नहीं थे, वहाँ कोरोना क्यों फैला? ये दिल्ली में तो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा, वहाँ चुनाव का तो सवाल तो यही है ना कि जहाँ पे कोरोना फैला, जहाँ पे जो है चुनाव की वजह से मौतें हुई, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया है। निश्चित रूप से दुखदायी है जी, और हम सबको मिलकर इस महामारी से निपटना होगा और हमको आपको राजनीतिक कारणों से खाली हर बात का विरोध करना, अगर अभी हम लॉकडाउन लगा दें तो विरोध, नाइट कर्फ्यू लगा दें तो विरोध, सबको वैक्सीन लगाए तो विरोध, इसका काफी विरोध करना है, इसका ना जनता से मतलब है। तो जो हमने तस्वीरें देखी है क्या उससे सीख नहीं लेनी चाहिए रामनिवास जी? सत्ता मिले उत्तर प्रदेश को हम लूटे जैसे इन लोगों ने लूटा है, अभी इनकम टैक्स की रेड में सबको दिख रहा है, इतनी बौखलाहट है इनको। कैग ने दिखाया है महाकुंभ में 1,000 करोड़ के ऊपर का घोटाला हुआ है, कैग का आकलन है। नहीं ये तो जो कि आपको कभी विश्वास नहीं होता, घोटालेबाजों पे आज तक क्या कार्रवाई हुई? जो कि आपकी सरकार में हमेशा बेईमानी, सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाला करने वाले वाइस चांसलर पे क्या कार्रवाई हुई? जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम करती और आपकी सरकार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अपने जेई से एसीपी लगाने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांग रहे थे, उसका ऑडियो जारी हुआ, ट्वीट हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय को, आप तो भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं, क्या कार्रवाई हुई? आपके पार्टी के विधायक ने कोरोना में आवाज उठाई थी कि डीएम और कई जिलों के सीएमओ ने कोरोना किट में घोटाला किया, कितने जिलाधिकारियों और सीएमओ की गिरफ्तारी हुई? उत्तर प्रदेश जनता ने आवाज उठाई ना, कहीं कोई मीडिया मेरे बंधु है वो भी कभी नहीं हुई और करप्शन का, तो क्या आपको लगता है कि ईमानदारी? अच्छा तो क्या वो गंगा माँ की गोद में हजारों तैरते हुए लाशें ईमानदारी से काम करता है, वो आपकी सफलता का उदाहरण था? रामनिवास जी, मीडिया तो हर चीज दिखाती है लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है घोटाले तो तब निकल के सामने आते हैं। 35 लाख में बिकते हुए बेड, क्या वो आपकी सफलता थी? सुशासन था, कुशासन नहीं था तो क्या था? जेल बंद है,
जी, और जो तमाम विधायक जेल चले गए थे और जब जनता अपने लिए दवा लेने निकल रही थी, दूध लेने के लिए निकल रही थी, तो जितने का गाड़ी का मूल्य नहीं उससे ज्यादा का आप चालान काट रहे थे। अजय जी, अजय जी, आपको मौका देंगे और आज हम मेन चुनाव और कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, घोटालों पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम कोरोना पर कर रहे हैं। जी, कि जब लोग अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल से अपनों को हॉस्पिटल पहुंचाने निकल रहे थे, दवा लाने निकल रहे थे, सब्जी लाने निकल रहे थे, जिनके पुलिस लाठी चला रहे थे, जितने की गाड़ी नहीं उतने का चालान कर रहे थे, ये इनकी संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी का कर्ता बाहर निकले, हमारी सरकार बाहर निकली। अच्छा, आप तो लोगों को सड़कों पे चलने नहीं दे रहे थे, जब हमने रोडवेज बसें गाजियाबाद और आगरा में खड़ा कर दिया तो आपने उन बसों को चलने का परमिशन नहीं दिया, आपने जनता को ट्रेनों से कटवा दिया, कुचलवा दिया, न रेलवे ट्रैक पे चलने दिया, न सड़कों पे चलने दिया, जब वो यमुना नदी में चल के आ रहे थे तो आपने उसमें मगरमच्छ छोड़वा दिया, ये आपकी संवेदनशीलता थी। आप लोगों को घर तक नहीं जिंदा पहुंचने देना चाह रहे थे, पूरा ब्रिटानिया हुकूमत का तांडव चल रहा था, न ट्रेन में चढ़ने दे रहे थे, न बस चलने दे रहे थे, न रास्ते में कहीं खाने का आप इंतजाम किए थे, खाली टीवी चैनलों पे लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, उससे देश की जनता का पेट भरता है क्या? राम निवास जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि चुनाव तो आप कराना चाहते हैं लेकिन कोरोना भी इसमें फैलेगा, कोरोना से बचने के क्या इंतजाम करेंगे? कोरोना फैलेगा तो चुनाव से इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया कोरोना फैलेगा उस पर चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को फर्क पड़ेगा, लोग अपनों को फिर से खोएंगे। दिल्ली में चुनाव नहीं थे, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे, बिहार में चुनाव नहीं थे, पंजाब में चुनाव नहीं थे जी, और वहाँ भी महामारी का उतना ही प्रकोप हुआ जितना उत्तर प्रदेश हुआ। तो यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या पिछली गलतियों से सीख नहीं लेगी सरकार? पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन ने ये देर से कहा था, पिछली बार इलेक्शन कमीशन की भी गलती थी, देर से कहा था, लेकिन इस बार पहले ही फैसला लिया जा सकता है, या इसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहिए तो जो आदेश करेगा सरकार उसको मानेगी। और रही बात अनिल जी की, ये लोग न मानेंगे न कभी मानने वाले हैं, इनको तो खाली सत्ता दिखनी चाहिए, सत्ता चाहिए लूटने के लिए। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में कोरोना पीरियड में इसीलिए आप विधायक खरीद रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, सत्ता का सपना छोड़ दें। मीशम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मानवीय मूल्य आधार पर अगर हम कोई बात करें तो हम अपना दिल बड़ा करके ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, कोई भी मानव होगा, उसकी संवेदनशीलता एक हद तक कहीं ना कहीं उसका दिल भी हृदय मोम हो जाएगा लोगों को मरता हुआ देख करके। चलिए, अगर हम एक बात ये मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि इनके मुखिया ने, इनके प्रदेश के मुखिया ने कोरोना को रोकने का भरपूर प्रयास किया, मगर दूसरी तरफ अगर हम उन लाशों को बहती हुई गंगा में देखें और ऑक्सीजन से कमी से किल्लत से लोगों को मरते हुए देखें, और वो एक बेटी को, अपनी माँ को मुंह से ऑक्सीजन देते हुए अगर देखें, और हॉस्पिटलों में और जगह जगह पर त्राही माम मचा हुआ देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को ये स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं विफल रहा, हाँ, मुझसे ये काम नहीं हो सका, कोरोना जैसी महामारी में मैं विफल रहा, मेरे पास जो था वो कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम कम थे, मेरे पास उसकी बनी हुई रणनीति नहीं थी, हाँ, मैं अक्षम था, मैं असहाय महसूस कर रहा था, मैं शक्ति विहीन था। और ये बात इनको एक्सेप्ट करने में इतना समय लगता है कि इतना ये गोल मोल बातें शुरू कर देते हैं कि आपके नेता ट्विटर कर रहे थे, आप लोग घरों के अंदर बैठे थे। ये मेरा भाई, जब आपको जनता ने चुन करके पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर बिठा दिया, अब तो ये भी आपका दबाव नहीं रहा जो आप जगह जगह कहते चलते हैं कि मेरी डबल इंजन की सरकार है। तो जब डबल इंजन लगा करके, दो क्रूज लगा करके आपका विमान तैयार जनता ने कर दिया, अब उसके बाद भी उड़ने में आप बताते हो कि पर हो जा रहा है, हवा ऊपर तेज चल रही है। अरे भाई, एक बात करो, या आप ये कहो कि भाई मुझे जनता के मरने से कोई मतलब नहीं, और या आप अगर ये कहते हो कि नहीं, मैं प्रयास कर रहा था, तो वो जो बहती हुई लाशें हैं वो क्या हैं? उनको देखने के बाद आप चिका जी यकीन करेंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी वो बदहाल थी, वो किस हाल में थी? जिसके घर का मरा है, गाँव में
आप यकीन जानिए कि इस तरह से मौतें हुई हैं जिनके इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। हर गांव में, हर परिवार में किसी न किसी का कोई ना कोई अजीज खोया है, और जिसके घर कोई मौत हो जाती है शिखा जी, ये दर्द वही समझता है। ये जो एसी के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े कोठियों में और बड़े बड़े विधानसभाओं के अंदर सचिवालय में एसी लगाए जो लोग बैठे हैं शिखा जी, वो इसका दर्द नहीं समझ सकते। हम लोगों ने ग्राउंड पे उतर के देखा है, हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर हम फेल हुए हैं तो हमको ये स्वीकारना चाहिए, हमको ये कहना चाहिए कि हाँ हम विफल हुए हैं, ना कि उसके बदले हमको लगातार उसमें जो है कोई ना कोई उदाहरण देते रहना, किसी ना किसी तरह से बचाव करना। देखिए वकालत का भी एक पेशा होता है, और वकील भी अपने मुवक्किल को, अपने मुलजिम को वहाँ तक बचाने की कोशिश करता है जहाँ तक उसकी अंतरात्मा जवाब देती है। और जब उसको ये लग जाता है कि नहीं ये इंसाफ के खिलाफ की बात है और ये मानवता के खिलाफ उठाया हुआ कदम है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पेशे से पीछे हट करके आ जाता है। जिस तरह से मौतें हो रही थी, जिस तरह हाहाकार उत्तर प्रदेश के अंदर मची थी, आप यकीन जानिए हमने न मालूम कितने अपने दोस्त खो दिए। और सिर्फ आपको पता होना चाहिए शिखा जी, एक आवाज लगती थी कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आप देखिए इनकी हठधर्मी देखिए, इनकी तानाशाही देखिए, कि आप उसके बाद भी बैठ करके ये कह रहे हैं कि चुनाव तो होता रहेगा, कोरोना बढ़ता रहे। आप देख रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है जिसका पेट भरा होगा वो भूखों की चिंता नहीं करेगा। आप साहब सरकार में हैं, आपके पास पावर है, आप पूरे पूरे सिलेंडर घर के अंदर रखवा लेंगे, पूरी पूरी गाड़ी उतरवा लेंगे, ठीक है भैया आप कर लेंगे। मगर जो ये गरीब आदमी है, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर, अगर मैं कह रहा हूं मैं समाजवादी से हूं तो ठीक है, आप ये आरोप लगा सकते हैं कि मैं आपके विरोधी हूं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। आप बताइए कि भारत का क्रिकेटर सुरेश रैना, उसने एक ट्वीट किया था अपनी भाभी के ऑक्सीजन के लिए। आप यकीन बताइए सुरेश रैना किसी पार्टी के प्रवक्ता है या किसी पार्टी के नेता है? आप बताइए कि आप सुरेश रैना के भी उस ट्वीट को झुठलाना चाहेंगे जिन्होंने अपनी भाभी के लिए एक सिलेंडर की मांग करी थी? और शर्म वहां पर आना चाहिए शिखा जी कि वो सिलेंडर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं दे पाई। वो बॉम्बे में बैठा हुआ एक कलाकार हमारा सोनू सूद, जिसको हम हैट्स ऑफ करते हैं, उसने वहां से सिलेंडर की मदद पहुंचाई थी। शिखा जी आपको याद होगा ये बात कई सौ साल पुरानी नहीं है, यानी उसके बाद जब वो मदद पहुंचा चुके सोनू सूद, उसके बाद कई एक सिलेंडर की पेशकश आई थी। तो आप ये सोचिए, ग्राउंड जीरो पर आप उतर करके देखिए जिस कंडीशन में देश का खिलाड़ी सुरेश रैना अपनी भाभी के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कितने लोग ट्वीट करते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया चला सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या 99% एंड्रॉयड फोन आ गया है जो हर आदमी अपनी सोशल मीडिया से ट्विटर से बात करे? अरे गांव का आदमी तो आप ट्विटर का नाम लोगे तो वो चिड़िया समझ करके कोई बात ही नहीं करेगा। उसके सामने अगर ट्विटर और आप फेसबुक की और आप सोशल मीडिया की बात करोगे तो वो क्या जानता है इस चीज को? बहुत से लोग तो शिखा जी ये समझ भी नहीं पाए गाँव के अंदर कि ये वायरल जैसा बुखार समझ रहे थे, एक नॉर्मल बुखार समझ रहे थे, उन तक तो ये बात पहुंची नहीं। जब गांव के अंदर टीम गई है तब तक वहां पर लाशें बिक चुकी थी, तब तक वहां पर हाहाकार मच चुका था, लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर गए थे। एक इंजेक्शन आपको याद होगा रेमडेसिविर आता था उस टाइम पर जान बचाने के लिए, वो किस कदर शॉर्टेज था। एक इंजेक्शन 30,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन दिया जा रहा था। अगर ये एक इंजेक्शन इतनी महंगी स्थिति में बेचा जा रहा था, उसका जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार प्राइम टीवी शिखा जी है, उसकी जिम्मेदार या मैं हूं या उसके जिम्मेदार कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। अगर कोई चोरी होगी तो कोतवाल से बात ना करके शिखा जी रात में आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा? आपको ऐसी कुर्सी पर जहां पर देश की जनता ने बिठाया है खाली ये सुनने के लिए प्रश्न पूछने पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पत्र कैमरामैन को गाली देकर आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे करके अपनी बात पर विराम करता हूँ, और काफी टाइम भी हो गया होगा क्योंकि ये चर्चाएं तो हमेशा चलती रहेगी और जनता देख रही है, देखती रहेगी कि एक जंगल के अंदर चुनाव तय हुआ और चुनाव के लिए लोगों ने बैठ करके सारे जानवरों ने ये तय किया कि अपने गांव में वोट डाल करके एक प्रधान चुन लिया जाए। तो उसमें सबने वोट डाला, इत्तेफाक से बंदर जो है वो चुनाव जीत गया, और बंदर चुनाव जीतने के बाद लोगों की रक्षा के लिए तैयार हो गया कि हाँ मैं रक्षा करूंगा सबकी। और उसके बाद इत्तेफाक से वो गांव में जंगल में मौजूद था, तब तक शेर ने हमला कर दिया। शेर का हमला करना था कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया, जाहिर सी बात है शेर को देख करके, शेर से मेरा मतलब है कोरोना
जो इस वक्त हालात में गुजर रहा है उसी हालात में बताना चाह रहा हूँ। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शेर ने गैया के बच्चों को, बकरी के बच्चों को, बंदर के बच्चों को, सबको उसने मार डाला और मार करके खा करके शेर चला गया। जब सारा जंगल वापस पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि उसने प्रधान चुना था बंदर को। बंदर से पूछा कि ये बताओ कि जंगल के अंदर इतना नरसंहार हो गया और तुमको किस बात पर चुना था, तुमने क्या किया? तो बंदर ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। अब आप बताइए शिखा जी, उस पर बंदर की आप हंसेंगे या उसको सजा देंगे या अपने नसीब पर, अपने कर्मों पर बंदर को मुखिया बना करके रोएंगे? बंदर ने कहा देखो भाई, जब शेर आया मैं इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, मेरे दौड़ भाग में तुम्हें कोई कमी मिली हो तो बताओ। भीषम जी, तंज और ये कहानी काफी अच्छे थे, लेकिन हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। जिस तरह से सभी जनसभाएं कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी अजय जी, आपकी भी प्रतिज्ञा यात्रा हो रहा है और लगातार आपकी भी रैली चल रही है, तो क्या डिजिटल माध्यम से हो सकती है रैलियां, कि जनता के बीच जाना, भीड़ जुटाना जरूरी है? क्योंकि जब लाशें बिछेंगी, कोरोना फैलेगा तो सरकार को आप भी घेरेंगे, लेकिन अपनी गलतियों पे क्या कहेंगे? छोटा सा आंसर चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता की जनता ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर चुनाव आयोग या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कोई दिशा निर्देश अगर जारी करती है जनता हित में, तो कांग्रेस पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक मेरा प्रश्न है जी, और भारतीय मीडिया को भी वो प्रश्न करना चाहिए जी, कि पूरा विश्व समुदाय तारीफ कर रहा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, कि जब हिंदुस्तान में ये कोरोना का वेरिएंट तीसरी बार जब अपने भयावह स्थिति की ओर आगे बढ़ जाएगा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तब तक प्रचार करते रहेंगे और लास्ट में वो हमारे बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ताली थाली बजाएंगे और कैंडल जलवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कोरोना कम भाग गया, बात पूरी कर। अब ये जनता को तय करना है, ये संवैधानिक संस्थाओं को तय करना है। अगर चुनाव टाले जाएंगे तो आप उसके समर्थन में रहेंगे या सरकार पे तंज कसेंगे? भरोसा करना है या न्यायपालिका को? अजय जी, चुनाव टाले जाएंगे तो आप उसके समर्थन में रहेंगे या तंज कसेंगे? सरकार डर गई इस वजह से इसे टाला गया है, एक शब्द में बताइए हाँ या ना। देखिए, एक शब्द में बताइए हाँ या ना। मैं समय की कमी है, 139 करोड़ की जनता अपने इस देश के तथा कथित स्वयंभू घोषित सर्व बुद्धिमान 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी से डर रही है कि कहीं वो दोबारा वो मौत का तांडव जनता के घरों और आंगन में न नृत्य करने लगे, लोग अपने को न खोने लगे, फिर शमशानों में लाइनें न लगने लगे, फिर हॉस्पिटलों में 35 लाख दे के बेड खरीदना पड़े, फिर अपने गाड़ियों के मूल्य से ज्यादा गाड़ियों का चालान न करवाना पड़े, फिर भुखमरी और गरीबी का शिकार न होना पड़े। हिंदुस्तान की 139 करोड़ की जनता जड़ रही है इस बात से और कांग्रेस पार्टी भी डर रही है। कोरोना के समय में देखा गया था कि चुनाव हो रहे थे और उससे पहले डिजिटल माध्यम से जनसभाएं करी गई थी, रैली करी गई थी, तो इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने ही करी थी। क्या आने वाले समय में भी भीड़ जुटाना बंद किया जाएगा? कोरोना अगर टालने की जैसे बात करी जा रही है और इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम से आग्रह भी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो क्या इस ओर ध्यान दिया जाएगा, डिजिटल माध्यम अपनाया जाएगा अगर चुनाव के प्रचार करने हैं तो? जनता की जान ज्यादा कीमती है या फिर चुनाव, इस बारे में कम शब्दों में बताइए। शिखा जी, निश्चित रूप से जो भी उचित होगा, जनता की जान पहली प्रायोरिटी है और चुनाव बाद में है। लेकिन जिस तरह से मेरे कांग्रेस मित्र और समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे जी, इनकी बौखलाहट कितनी है, इनको नहीं लगता है कि चुनाव जो पिछली बार हुए थे तो हम सिर्फ कम शब्दों में ये जानना चाहते हैं कि जनता के बारे में सोचेंगे या चुनाव के बारे में? अजय जी, राम निवास जी को बात पूरी करने दीजिए। और इन जैसे नेताओं से भी जनता की हिफाजत में आगे काम भी करें। अजय जी, समय की कमी है, बात पूरी करने दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र को आपने कितना कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया, आपको मालूम है कि आप कोरोना को रोकने में विफल रहेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वो हर हाल में चुनाव जीतने के लिए चाह रही है कि बस एक हफ्ते में चुनाव हो जाए, उनके प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली पे चढ़ के फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया बन जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़। वो तो सत्ता बता
जनता बताएगी कि क्या होता है, सत्ता आती है या पलटती है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद थे, राम निवास यादव जी बीजेपी से, मीशम जैदी जी सपा से और अजय चंद चौबी जी कांग्रेस से। तो ये जनता बताएगी कि आखिर किसका काम जनता को पसंद आ रहा है। बीजेपी ने जितने भी काम किए हैं वो उससे खुश है, संतुष्ट है या नहीं। कोरोना काल में जिस तरह का प्रबंधन देखने को मिला, ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ संभाला है, स्थिति को संभाला है, देश में अच्छे से काम हुआ है और बाकी दुनिया का जो हाल था उससे कई गुना ज्यादा सही रहा है देश का हाल। लेकिन ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी किसका काम सही लगा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधियों से कि चुनाव जरूरी है देश के लिए, लेकिन लोगों की जान जरूरी है। अगर जिंदा रहेंगे तो चुनाव भी हो सकता है, बाकी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर जान रहेगी तभी। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि चुनाव बाद में हम करा सकते हैं, जनता की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना है, जनता की जान ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।